कर्नाटक में साइट अलॉटमेंट केस मामले पर गुरुवार को उच्च न्यायालय आदेश पारित कर सकता है। क्या हाईकोर्ट राज्यपाल का फैसला बरकरार रखेगा या फिर अभियोजन को दी गई अनुमति रद्द की जाएगी, इसे लेकर लोगों में जिज्ञासा है। वहीं सीएम सिद्धारमैया पर सीएम पद छोड़ने के लिए दबाव पड़ रहा है। इस दबाव के बीच सीएम सिद्धारमैया ने बुधवार को कहा कि सीएम पद खाली नहीं है। गुरुवार को सीएम की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी बहस करेंगे, जबकि राज्यपाल की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बहस करेंगे। इसलिए संभावना है कि गुरुवार को हाईकोर्ट में हाई वोल्टेज बहस होगी। विपक्ष के आरोप और पार्टी के दबाव के बीच सिद्धारमैया ने कहा कि सीएम का पद किसी के लिए भी खाली नहीं है। उन्होंने संकेत दिया कि वो इस पद पर बने रहेंगे। सिद्धारमैया ने बुधवार को संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि इस बारे में कोई भी बयान नहीं दिया है और ना ही किसी ने दावा किया है कि वो सीएम बनेंगे, चूंकि सीएम का पद खाली नहीं है। ऐसे में कोई ये क्यों कहेगा कि वो सीएम बनेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ नेताओं ने ये बात कही है कि यदि सिद्धारमैया निर्देश देते हैं तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री का पद खाली ही नहीं है तो वो फिर मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे। उन्होंने साफ कहा कि इसमें कोई भी संदेह नहीं है, वो मुख्यमंत्री के पद पर बने रहेंगे। बता दें कि मंगलवार को कर्नाटक के कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी को पत्र लिखा था और इस पत्र में मांग की गई थी कि मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी करने वाले मंत्रियों को चेतावनी दें। वहीं कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष मंजुनाथ भंडारी और MLC दिनेश गुलीकौर ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेटर लिखकर मुख्यमंत्री के कार्यकाल पर अटकलों पर अंकुश लगाने के लिए कहा था। उप मुख्यमंत्री और राज्य कांग्रेस प्रमुख DK शिवकुमार पद सीएम पद के प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। इस बीच अमेरिका के दौरे पर गए DCMK शिवकुमार ने मंगलवार को वाशिंगटन में राहुल गांधी से अनौपचारिक मुलाकात की। इससे इस मामले में अटकलें और भी बढ़ गई हैं। गृह मंत्री परमेश्वर और PWD मंत्री सतीशा जारकिहोली ने भी हाल ही में दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की थी। दूसरी ओर BJP नेताओं ने कांग्रेस में सीएम की कुर्सी की दौड़ का मजाक उड़ाया है। विपक्ष के नेता R. अशोक ने कहा कि सिद्धारमैया की सीएम कुर्सी नहीं टिकेगी। वहीं BJP प्रदेश अध्यक्ष B. विजेंद्र ने कहा कि किसी भी वक्त सीएम का इस्तीफा तय है। पूर्व मंत्री सुधाकर ने सिद्धारमैया पर ये कहकर तंज कसा है कि कांग्रेस ने ही उसके साथ छल किया है।